गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में गुरुवार को हिंदी गजल संग्रह का विमोचन और काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति पुरस्कार एवं यूएसओ अवार्ड से सम्मानित शिक्षाविद, शायर व कवि टी एन श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी की 20वीं हिंदी गजल संग्रह वफा किया है वफा करेंगे का विमोचन प्रोफेसर आर डी राय, संजय त्रिपाठी एवं डॉक्टर कलीम कैसर की मौजूदगी में की गई। इस मौके पर शायर व कवि डॉक्टर कलीम कैसर ने अपनी नज़मों को सुनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गज़ल प्रेमी और उभरते हुए शायर और कवि मौजूद रहे। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए शिक्षाविद, शायर व कवि टी एन श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी ने कहा, जो गोरखपुर से है और तो वो आए और उन्होंने कहा, मैं सीधे सीधे उस बच्चे का नाम। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया। और लोग कहते हैं इश्क है, मैं कहता हूँ इश्क था है नहीं था, क्योंकि है उसी वक्त होता है जब कोई चीज था होती है, यानी पहले रहा हो उसके बाद फिर उसका बदलू था। इस मकाम में एक मनी था, इश्क था। इस मकाम में एक मती था, इश्क था। इस मकाम में एक मती था, इश्क था। इस मकाम में एक मती था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। जब यहाँ कुछ भी नहीं था, इश्क था। इस मकाम में एक मती था, इश्क था। मैं टी एन श्रीवास्तव वफा गोरखपुरी, 20वीं गजल संग्रह हमारी वफा किया है वफा करेंगे का विमोचन आज हुआ है। ये हिंदी की गजल संग्रह है, 20वीं हमारी गजल संग्रह है और जो आज प्रेस क्लब में इसका विमोचन हुआ है। मैं उर्दू और हिंदी दोनों विधाओं में शायरी की है। 12 पुस्तकें मेरी उर्दू की हैं, 8 पुस्तकें हिंदी की हैं, जिसमें ये पुस्तक आज विमोचन हमने किया है। गजल संग्रह में गंगा जमनी तहजीब पर मैंने विशेष शेर किया है, कहा है। सामाजिक विसंगतियों पर मैंने कहा है, सामाजिक वो क्या नाम है भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने लिखी है। टोटल गजल संग्रह हमारी विशेष रूप से गंगा जमनी तहजीब की मिसाल हमारे इस गजल ने कायम की है। सामाजिक विसंगतियों पर भी हमारे शेर बड़े उमदा हैं, पढ़ने लायक हैं। मुझे उम्मीद है कि सामयिन को, दर्शक श्रोताओं को पसंद आएगी।